आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज गिवन, देयर आर 8 क्वेश्चंस इन अ पेपर एंड द स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी आउट ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए बोला गया टोटल 8 क्वेश्चंस है, तो हम यहाँ पे 8 क्वेश्चन ऐसे बना लेते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने। 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं क्वेश्चन है। अब पहला केस क्वेश्चन में कह रहा है, जो पहला पार्ट है, इट इज आस्किंग की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन 8 में से कोई भी 5 चूज करने हैं। तो बहुत इजी है, 8C5, कोई भी कॉम्बिनेशन वो ले सकता है, कोई भी 5 क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि एनसीआर को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, मेंशन कर देते हैं। एनसीआर को अगर सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम 8C5 को अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5, क्योंकि इसके बाद 5 के फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 5, 4, 3, 2, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए, 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, 3, 2 = 6, 2 से 2, 8, 7 = 56। इट मींस कि अगर 8 में से उसे कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के तो 56 वेज हैं कि वो उन 5 क्वेश्चंस को चूज कर सकता है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देखिए ये क्वेश्चंस उसे करने ही हैं, तो 2 क्वेश्चन 8 में से कंपलसरी हो गए, मतलब फ्रॉम 8 क्वेश्चंस फर्स्ट 2 आर कंपलसरी हो गए, ठीक है, तो 8 में से तो 2 हो गए, बच्चे कितने, 6 रिमेनिंग क्वेश्चंस हो गए 6, और जिनमें से उसको करने कितने हैं, 6 में से टोटल 5 करने, 2 हो गए, तो चूज करने हैं कोई भी 3, चूज एनी 3। तो देखिए फर्स्ट 2 जब कंपलसरी हो जाएंगे, 3 को चूज करना है इनको, तो बचे हुए को कितने तरीके से चूज कर सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है, तो 3 करना है तो 3 तरीके से चूज कर सकता है, कहने का मतलब अब हमारा हो गया 6C3, उन 6 क्वेश्चन को में से 3 करने हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, सेम फॉर्मूला यूज किया, फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 और दूसरे वाले फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 3, 2 = 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5, 4 = 20। इट मींस जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है, 2 तो कंपलसरी थे स्टार्टिंग के, उनको करने के 20 वेज है स्टूडेंट के पास। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी आउट ऑफ फर्स्ट 5, मतलब जो स्टार्टिंग के 5 है इनमें से 3 कंपलसरी, तो बचे में से कितने करने होंगे, 2 ही तो करने होंगे उसे, तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, तो लिख सकते हैं, देखिए जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 उनमें से वो करेगा 3, है ना, 1, 2 और 3, और जो रिमेनिंग के बचेंगे 3, मतलब लास्ट के 3, 8 में से, उसमें से उसे कितने करने रहेंगे, उसे 2 ही करने रहेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 को 0 कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये मान लेते हैं टोटल मिला के क्वेश्चन, जैसे कि ये 1 इससे कर रहा है, 2 इससे कर रहा है, 3 इससे कर रहा है, 4 इससे कर रहा है, 5 इससे कर रहा है, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, देखिए पहले वो चूज करेगा 5, इन फर्स्ट 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने ना, 5C3, और फिर इन तीनों में से कोई 2 करेगा, 3C2, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 5 में से 4, यहाँ से 1 कम हो जाएगा, 3C1, ऐसा इसलिए देखिए जब उसने 5 में से 1 क्वेश्चन कर लिया, 5 में से, तो 5 पहले हमने 3 का कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर हम 4 का ले रहे हैं, फिर हम 5 का लेंगे, ठीक है, तो प्लस 5C5, अब इसी में से अगर उसने 5 कर लिए तो इसमें से तो 1 भी नहीं बचेगा ना करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3C0, कहने का मतलब
अगर उसको फर्स्ट फाइव में से थ्री करने थे और अगर वो फर्स्ट फाइव में से ही पांचों के पांचों क्वेश्चन कर लेगा तो बचे हुए लास्ट के तीन क्वेश्चन जो थे उसमें से तो एक भी नहीं करेगा। अब इसमें आते हैं फिर, अगर इसी फर्स्ट फाइव में से कोई फोर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा तो बच्चा एक अटेम्प्ट करने को एक कर लेगा, अगर इस फर्स्ट फाइव में से जो कि कंपल्सरी है थ्री करना तो इसमें से दो करेगा। इसमें इस तरीके से हमारे तीन केस बनेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सेम मेथड से ही सॉल्व करना है हमको, तो लिख लेते हैं इसको 5C3। 5C3 का मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 5C4 मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 को रहने देते हैं, प्लस 5C5 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3C0 की भी 1 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 120 अपॉन 4 आया, प्लस इसको सॉल्व करने पे 5 इंटू 3 आया, ये तो 1 ही बचा, मतलब हमारे पास आ गया टोटल मिला के अगर आप देखिए 30 प्लस ये 15 प्लस 1, मतलब 46 वेज हैं उसके पास क्वेश्चंस को, फाइव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जब वो स्टार्टिंग के फाइव क्वेश्चन में से थ्री कंपलसरी अटेम्प्ट करता है। सो वी कैन से दीज आर द आंसर्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।